यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की दो पालियों में शुक्रवार को परीक्षा सकुशल संपन्न हुई, जिसमें कई जिलों से आए परीक्षार्थी शामिल हुए। इस बार की परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था देख अभ्यर्थियों संतुष्ट नजर आए। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस का सख्त पहरा रहा। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही थी। इस बार परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि पेपर लीक नहीं होगा और परीक्षा का परिणाम जरूर आएगा। हालांकि यातायात के पुख्ता साधन की सरकार के दावे की उस समय हवा निकल गई जब सोनभद्र डिपो में भारी परीक्षार्थियों की भीड़ परीक्षा देने के बाद इकट्ठा हो गई और बसों की कमी साफ दिखाई दी, जिस वजह से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद साधन के लिए परीक्षार्थी जूझते नजर आए। क्या नाम है भैया? मनीष नाम है मेरा। तो आप अभी परीक्षा दे के आ रहे हैं? जी हाँ। तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत ये कि बस सेवा उपलब्ध नहीं है सही ढंग का। हम लोग के लिए जाना, हम लोग को बनारस से वहाँ से गाजीपुर जाना, हम लोग को परेशानी है। गवर्नमेंट कहते हैं कि आपको जाने आने का पूरा मतलब वो मिलने की सुविधा मिलेगा, नहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम लोग को आने की सुविधा मिले, जाने का नहीं मिल रही है। हम लोग है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग? बोले लोग कि बस खराब है, स्टेपनी है, सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग।